फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ममता की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज रोल। बच्चों को खाने थे आज वेज रोल, तो मैं वेज रोल बनाने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। ये लिए मैंने गाजर, शिमला मिर्च, मटर और एक आलू लिया है बड़ा मैंने, जिसको मैंने पतला पतला काट लिया है। और एक लिया है मैंने बड़ा प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं। थोड़ा सा अदरक लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और थोड़ा सा लिया है हरा धनिया। और डो के लिए मैंने मैदा गूंद लिया है। ये देखिए, इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है मैंने। और चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई। तो शुरू करते हैं। तो तेल हो गया है गरम। सबसे पहले डाल लेंगे हम हींग, जीरा। जीरा पक गया है और अब डाल देंगे प्याज। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है हमें। और अब ऐड कर देंगे इसमें अपने वेजिटेबल। तो देखिए गाइस, सब्जी हमारी 70% कुक हो चुकी है। और अब हम ऐड कर देंगे इसमें कुछ मसाले। मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले धनिया पाउडर। मसालों का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है इसमें। और थोड़ा आधी चम्मच के करीब मैं गरम मसाला ले रही हूँ, आधा चम्मच किचन किंग, आधा चम्मच हल्दी और आधा ही चम्मच लूंगी मैं लाल मिर्च। चिली फ्लेक्स ऊपर से, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑरेगानो ऊपर से डालूंगी, चिली फ्लेक्स के ऊपर से ऑरेगानो। मैंने इसको रैप कर दिया है, मैंने इसको कर दिया है रोल। और मैं इसको थोड़ी देर अब डालूंगी गैस के ऊपर, ताकि ये थोड़ा क्रंची हो जाए। तो देखिए, ये देखिए, इसे मैंने और पकाया है ताकि ये क्रंची हो जाए। और ये अब सिक चुका है अच्छे से, मैं इसको उतार लूँगी। तो मैंने रैप कर दिया इसको, ये देखिए अच्छे से कर दिया है मैंने इसको खोल, ताकि पीछे से गिरे ना। और ये देखिए, तो वेज रोल बनकर तैयार है खाने के लिए।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।